दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आधार यूपीए के बारे में। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एनपीसीआई के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से आपको आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करना है। हालांकि आप लोग 3 से 4 महीने से लगातार आप सुन रहे होंगे कि आधार यूपीआई पिन, अब आधार से भी यूपीआई पिन हम सेट करके यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सपना ही रह जाएगा, क्या वाकई में ये आएगा? तो इस वीडियो में आप बने रहिए, हम काफी आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करते हैं, वहां पे आपको जो भी यूट्यूब पे वीडियो अभी तक देखे होंगे, आपको आधार कार्ड का लास्ट को 4 डिजिट इंटर करके आप आधार यूपीआई पिन बना सकते हैं। उसके बाद यूपीआई से आप भुगतान कर सकते हैं। जब एनपीसीआई की तरफ से यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया गया वीडियो में आप जब देखिएगा, वहां पे बताया जा रहा है कि अगर आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन सेट करते हैं और उस दौरान आप सेट करने के दौरान आपको आधार कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट आपको इंटर करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इंटर करते हैं आधार की तरफ से ओटीपी आएगा, उसके बाद जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उसके बाद बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, वो वेरीफाई होने के बाद आप यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस बताया गया है कि आप जो है एनपीसीआई का जो वीडियो आया है, एक ऑफिशियल डेमो, उसमें बताया गया है कि आधार कार्ड से अगर आप यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं, लास्ट का 6 डिजिट आपको आधार नंबर इंटर करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो 7 बैंकों में आया है उसमें 4 ही डिजिट इंटर करना पड़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे आप देखेंगे, कई सारे बैंक में 4 डिजिट का ही यूपीआई पिन बनता है और कई सारे बैंक में आपको 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है। तो ऐसे हो सकता है कि आने वाले समय में आपको जो है 6 डिजिट का आधार का जो है लास्ट का 6 डिजिट आपको इंटर करके यूपीआई पिन बनाना पड़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या आधार यूपीआई एक सपना ही रह जाएगा, क्या इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे? दोस्तों सवाल यह आता है एनपीसीआई की तरफ से। अब पहले तो एनपीसीआई जवाब भी दे रही थी, लेकिन जब से मैं ये 1 महीना से देख रहा हूँ, जब से मैं ट्वीट कर रहा हूँ एनपीसीआई की तरफ से, ना ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, ना ही बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। हालांकि आप समझ सकते हैं, जब एनपीसीआई की तरफ से जवाब नहीं आ रहा तो उसमें बैंक क्या कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है, जब ये वीडियो डाला गया है एनपीसीआई के यूट्यूब चैनल पे, हो सकता है आपको इसी महीने देखने को मिले, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपको वाकई में जानना है, अगर आप लोग सभी रिक्वेस्ट करेंगे एनपीसीआई से, हो सकता है जल्दी ये फीचर सभी बैंकों में आ जाएगा। रिक्वेस्ट क्या करना है, आप लोग ट्विटर तो चलाते ही होंगे, और ट्विटर में बस एक ट्वीट कर देना है, सर आज जो भी आप बैंक का यूज करते हैं उस बैंक का नाम लेके, और आपको लिख देना है इस बैंकों में कब तक आएगा। तो ये अगर आप करेंगे, हो सकता है एनपीसीआई का नज़र पड़े, तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी ये फीचर लाने का प्रयास किया जाए। और एनपीसीआई की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आ रहा है, जो आप पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा कब तक आएगा, अभी कोई भी जवाब इस वक्त तो नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर इस तरह से आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है किन्हीं यूज़र को जवाब मिल जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर ये वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, क्योंकि आधार से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट आएगा हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से बता देंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिन शुभ।